हेलो गाइस आज की तुम बात करूंगा आहूजा के स्पीकर के बारे में और ये स्पीकर आपका तीन सौ एच का होने वाला है और इस स्पीकर के बारे में फुल स्पेशल के साथ आपको बताने वाला हूं लेकिन इसके साथ और भी कुछ बताने वाला हूं जैसे कि ये स्पीकर आपका किस टाइप का होने वाला है स्पीकर के हम लोग ओम मैचिंग और कौन सी कैबिनेट में लगा सकते हैं कैबिनेट की प्राइस कितना हो सकता है हम लोग कितना कैबिनेट लेकर हम लोग एक भी बना सकते हैं और बात रहा जो कि स्पीकर की क्वालिटी किस पर है स्पीकर हम लोग कनेक्शन किस पर करेंगे एम्पलीफायर कौन सा लगाएंगे एम्पलीफायर की बताने वाला हूँ इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को आप लाइक अभी कर ही दीजिएगा तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे बात हूँ देखिए स्पीकर आपको कुछ इस टाइप में दिखने मिलता है और ये स्पीकर आपका आउजा का है और इसका फ्रेम और लुक या डिजाइन जो भी मान सकते हैं आपको कुछ इस तरह दिखने मिलेगा ही और इसका लुक डिजाइन काफी अच्छा दिखने मिलता है इसका स्पीकर इस कनेक्टर बहुत अच्छा खासा दिया है जो कि इसका स्पाइडर इस और इसका कोन मटेरियल और इसका फुल स्पीकर इस की बात करो तो बहुत बढ़िया स्पीकर है और बात रही स्पीकर कितनी इंची का है तो आपसे बताता हूँ ये स्पीकर आपका बारह इंची का स्पीकर है जी आप लोग सही सुन रहे हैं ये स्पीकर आपका बारह इंची का है और जो देखने से लग रहा है की स्पीकर पंद्रह इंची का है और बहुत हैवी स्पीकर है लेकिन स्पीकर हैवी स्पीकर है लेकिन पंद्रह इंची का नहीं ये आपका बारह इंची स्पीकर है पहले इस स्पीकर के बारे में सारा कुछ जानते हैं और उसके बाद में आपको सारा कुछ आगे चल के बताऊंगा तो सबसे पहले बात करूंगा स्पीकर की मॉडल नंबर क्या है तो स्पीकर की मॉडल आपका एल बारह एम बी तीन सौ है और तो स्पीकर तो दीवियार दीवियार की आरम एस पार की बात करूंगा तो ये आपका एटोम है और इसका, इस तो इसका मैगनेट की बात करूंगा तो मिल जाता है मैगनेट वेट की बात करूंगा टू पॉइंट थ्री वन के जी है वो वेट होगा और इसका बात करूंगा वॉयस कॉल स्पीकर की तो ये आपका तीन इंची वॉयसकॉल के साथ दिया है तो बहुत बढ़िया स्पीकर आपका ये होने वाला है और बात रहा जो इसका वेट की तो वेट कितना होगा इसमें आपको सेवन पॉइंट थर्टी का लेकिन जो जो मेन मेन पॉइंट था वही आपसे बताया हूँ बात करूंगा ये स्पीकर आपका किस टाइप में होने वाला है तो देखे ये स्पीकर आपका मिड स्पीकर होने वाला है और ये आपका लो फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छा आपको सुनने को मिल जाएगा तो इसमें आप टॉप के लिए सबसे बेस्ट मतलब स्पीकर होने वाला है इसका लॉन्ग थ्रो भी काफी अच्छा आपको सुनने को मिल जाएगा और बात रहा जो कि स्पीकर की प्राइज कितना पड़ सकता है तो प्राइस भी आपको आगे चल के बताऊंगा सबसे पहले जान लेते हैं इस स्पीकरों के लिए हम लोग कौन सा एम्पलीफायर लगा सकते हैं साथ ही कनेक्शन हम लोग किस पर करेंगे एम्पलीफायर की प्राइज स्पीकर की प्राइज क्या होगा तो चलिए एक एक करके सबसे पहले जान लेते हैं तो सबसे पहले बात देखें अगर आप लोग दो स्पीकर लगाना चाहते हैं करीब दो स्पीकर तो आप लोग करीब आहूजा का मतलब बात करूंगा तो आप चार सौ डेज के एम्लीफायर भी ले सकते हो उधर कंपनी के भी चार्जर आप दो वाला स्पीकर बिल्कुल चला सकते हैं आराम से चलेगा और बात रहा अगर 4 स्पीकर का तो 4 स्पीकर अगर आपको थोड़ा सा अगर सस्ता एम्पलीफायर में जाना चाहते हैं और अच्छा एम्पलीफायर तो आप स्टिंजर का एम्पलीफायर ले सकते हैं जो कि स्टिंजर का PVT 701 जी हां इस एम्पलीफायर को मैं फुल्ली रिकमेंड करता हूं इन चार स्पीकर के लिए जो कि टूम में रनिंग होगा तो आप इस एम्पलीफायर को लेकर इन हाँ सकते। चले बातरूम कनेक्शन आप लोग किस तरह कर सकते हैं तो देखिए सब सबसे बाथरूम में एम्पलीफायर का स्पीकर आउटपुट किस पर प्रोवाइड करता है वो सबसे पहले जानते हैं तो देखिए इस एम्पलीफायर में आपको टू एम फोर एम और लाइन बल्ब का भी ऑप्शन दिखने में मिल जाएगा जो सत्तर स्पर का आपको ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा जो बैक पैनल में तो सिंपली इसमें आपको जो एक कॉमन मतलब रहता है जो कम तो इसमें सिंपली आप ब्लैक वायर को डाल दीजिएगा और दूसरा जो कि आपका रहेगा जो कि रेड वायर तो इसमें आप जो कि आपको दोनों टॉप को मिला करेंगे तो आपका ओम आ जाए तो ओम में आपका रेडवेड डाल दीजिएगा इसका एम्पलीफायर कनेक्शन हो गया आप बात करू टॉप का तो टॉप का आपको दोनों का साथ में पैरेलल कर लीजिएगा जो कि माइनस माइनस और प्लस प्लस मतलब रेड वायर और रेड वायर और ब्लैक वायर और ब्लैक वायर इस पर आप लोग आपस में कनेक्शन कर लीजिएगा जिसे हम पैरेलल करते हैं पैरेलल कैंसल कर लीजिएगा और डायरेक्ट इसमें आप लोग एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा जो कि कॉमन ब्लैक वायर और रेड वायर आप लोग टूब में कनेक्शन कर दीजिए जो जो कि आप लोग इस तरह आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं और बात रहा है जो कि स्पीकर के लिए हम लोग मतलब कैबिनेट कौन सा लेंगे इस इन मतलब चार स्पीकर के लिए तो सबसे बाथरूम देखिए कैबिनेट आप लोग अपने एरिया से हिसाब से मतलब बना लीजिएगा जो कि इसका प्राइज आपको एक्चुअली बताता हूँ कि आठ से दस हज़ार के बीच में आपको अच्छा कैबिनेट आपको मिल जाएगा जो कि दो पीस कैमरा आराम से हो जाएगा तो इसके हिसाब से आप ले सकते हैं और इसका भी मेटरल की बात कैबिनेट तो अलग अलग प्राइज तो होते हैं लेकिन आपको आठ से दस के बीच में आपको दो कैबिनेट बिल्कुल हो जाएगा तो इन स्पेयर के साथ आप फिटिंग कर लीजिएगा कनेक्शन भी आपको बता चुका हूँ एम्पलीफायर भी बता चुका हूँ चले आप बारी आता है प्राइज़ प्राइज कितना पड़ेगा इन सब का चले एक एक करके जानते हैं इस प्रकार आपका एक सेटअप भी तैयार हो जाता है तो आप सेटअप भी तो मतलब कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम और डीजे के लिए तो थोड़ा सा मतलब नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत मतलब लाइव प्रोग्राम के लिए और भी सामान और ये थोड़ा मतलब काम चल जाएगा अगर चलाना चाहते हैं तो चले आप बात करूँ जो कि प्राइज तो देखिए प्राइज बात करूंगा स्टेंजार का पी डी सेवन का तो इसका प्राइज आपको सोलह हजार पाँच सौ सत्रह हजार पाँच सौ के बीच में भी मिलता है और कहीं के एरिया में पंद्रह हजार के बीच में भी मिल जाता है आगे चले बात करूँगा स्पीकर की प्राइज तो देखिए स्पीकर ये प्राइस के भी आपको मिल जाएगा जो चार्जर तीन सौ लेकर आपका चार्जर सात सौ के बीच में आपको एक एक स्पीकर मिल जाएगा तो आप लोग चार स्पीकर इस इसी प्रकार ले लीजिएगा और इतना आपको प्राइस दिखने मिल जाएगा और ये बात रहा कैबिनेट की प्राइज तो कैबिनेट की प्राइस भी आपको बता चुका हूँ जो कि आठ से दस हजार के बीच में आपको मिल जाएगा तो इसी प्रकार आप लोग एक सेटअप की तैयारी कर सकते हैं और मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा सिंपल इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्राग के साथ कनेक्शन के साथ तो चलिए वीडियो में एता वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई भी सवाल डाउट हो तो नीचे कम करके आपको बता सकते हैं